नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका नमस्ते इंग्लिश में स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए फिर से एक नया सेशन लेके आया हूँ और इस सेशन में हम प्रीपोजिशन विथ का सही इस्तेमाल करना सीखेंगे। इसके पहले मैं आपको इस विथ के बारे में विस्तार से बताऊँ। अगर आप बोल बोल कर अंग्रेजी सीखना चाहते हो, आप परेशान हो कि अंग्रेजी कैसे ठीक से बोले, तो इस समस्या का समाधान हम आपके लिए लेके आए हैं। आज ही नमस्ते इंग्लिश ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। यहाँ आप बोल बोल कर बिना किसी की सहायता के फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आज के सेशन में। विथ का प्रयोग हम ऑलमोस्ट हर दिन हमारे डेली लिखने या पढ़ने में करते हैं। मैं आपको ऐसे तीन विथ का उपयोग बताने जा रहा हूँ जिसकी सहायता से आप ठीक ठीक अंग्रेजी बोल और लिख सकोगे, अर्थात विथ का इस्तेमाल कर सकोगे। आइए विथ का पहला उपयोग सीखते हैं। विथ का नॉर्मली उपयोग हम एक साथ होने या शामिल होने को संकेत देने के लिए या इंडिकेट करने के लिए करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आई ऑर्डर्ड केक विथ अ ड्रिंक, मैंने ड्रिंक के साथ केक भी ऑर्डर किया, तो यहाँ केक और ड्रिंक दोनों के बीच में साथ साथ होने का संबंध विथ बतलाता है। आइए दोस्तों अब हम दूसरी यूज़ देखते हैं विथ का। विथ का यूज़ हम हैविंग अर्थात होने को इंगित करने के लिए भी करते हैं। जैसे यदि आपको कहना है कि आई हैव वन पेन, राइट, और आई एम हैविंग टू पेन, इस तरह के वाक्य में नॉर्मली हम विथ का उपयोग करते हैं। जैसे पीपल विथ अ लॉट ऑफ मनी आर ऑलवेज नॉट हैप्पी, ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन वो खुश नहीं है, इस वाक्य का यह अर्थ है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस वाक्य में हम इंडिकेट कर रहे हैं कि वैसे लोग जिनके पास पैसा, यानी पैसा और लोगों के बीच में एक संबंध विथ बतलाता है। आइए अब हम विथ का तीसरा उपयोग देखते हैं। विथ का एक और उपयोग है, विथ का उपयोग यूजिंग अर्थात उपयोग को इंगित करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ आई रोट ए लेटर विथ द पेन यू गेव मी, मैंने आपको एक पत्र लिखा है, किससे लिखा है, उस पेन से लिखा है जिस पेन को आपने हमें गिफ्ट किया था। दोस्तों मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आप इससे इस वीडियो के जरिए विथ के नए उपयोग सीख गए होंगे। मैं जल्द ही आपके लिए एक और लेसन लेके आऊँगा। हमारे अन्य लेसन को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपको हमारा ये लेसन अच्छा लगा होगा तो इन लेसन को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।